आज मैं बनाने वाला होम मेड मास गेनर गाइस। आज मैंने बहुत टाइम से वेट गेन पे कोई वीडियो नहीं बनाया था, मुझे बहुत से डीएम आए थे कि मास गेन वेट गेन पे कोई वीडियो बनाओ। इसके लिए आज मैंने आपके लिए मास गेनर लाया, होम मेड मास गेनर। किस तरीके से बनाना है गाइस मैं आपको बताऊंगा। ऐसे जो मैं बता रहा हूँ बहुत इफेक्टिव है। जब मैं कॉलेज टाइम में था तो मैं ये यूज कर रखा था बहुत, मतलब एक साल तक तो मैंने इस चीज को यूज किया हूँ। मैं अभी भी यूज करता हूँ लेकिन इसको ऑल्टरनेट करता हूँ, लेकिन अभी मेरा बॉडी मेंटेन करना है, मुझे अभी वेट गेन नहीं करना है इसके लिए। तो ऐसे देखते हैं क्या क्या यूज कर रहे हैं। आज खजूर है, डेट्स, दूध, प्रोटीन 2 स्पून, किशमिश, काला किशमिश है गाइस, नॉर्मल नहीं होना चाहिए, काला किशमिश ही है। फिर बादाम, काजू बादाम गाइस, और थोड़ा ठंडा पानी रहेगा क्योंकि पानी ठंडा रहेगा तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा। चलो फिर देखते गाइस को किस तरीके से बनाना है। देखो गाइस मैं बता रहा हूँ, खजूर की थोड़ी बीच पूरी निकाल देना है, जिससे आपको कितना लेना वो मैटर करता है। आप 5 ले सकते हो, मैं अभी 3 ही ले रहा हूं, आप 5, 6, 7 ऐसा ले सकते हो। मैं 3 खजूर ले रहा हूं, इसमें डाल रहा हूं। फिर दूध ले रहा हूं गाइस, थोड़ा तो दूध अच्छे से मिला रहा हूं उसमें। आप ज्यादा भी खजूर यूज कर सकते हो, मेरे को एक्चुअली मीठा ज्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं 3 ही खजूर ले रहा हूँ। आप 5 भी ले सकते हो, 6 भी ले सकते हो, कोई इसका नुकसान नहीं है। जितना खजूर खाओगे उतना फायदा है। खजूर से गाइस आपको ब्लड के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत से सोर्स आपको जिसमें कमजोरी होती है, आपके स्टेमिना वीक है, तो भी आप ये यूज कर सकते हो, आपको बहुत फायदा मिलेगा। जैसे आपको कोई चीज में मतलब रनिंग में आप बहुत वीक हो, स्टेमिना आपको बहुत कमजोर हो, तो भी आप ये यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। कभी गाइज मेरे पास प्रोटीन था, रो प्रोटीन है ये गाइज, बहुत रो प्रोटीन है ये। मैं इसको ये भी डाल रहा हूं, 2 स्पून था ये। आपके पास प्रोटीन नहीं है गाइज तो आप 2 केला डाल सकते हो। केला मैं केला इसलिए नहीं डाल रहा हूं क्योंकि ज्यादा ओवर प्रोटीन हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास प्रोटीन शेक था इसके लिए मैं प्रोटीन डाल रहा हूं। काजू बादाम कितना भी डाल सकते हो आपके ऊपर है। अभी आता है किशमिश गाइस, मैं 4-5 ही किशमिश डाला उसमें, फिर उसके ऊपर से थोड़ा पानी डाल देता हूं। आपके पास गाइस केला है तो केला भी डाल सकते हो। खजूर गाइस बहुत इफेक्टिव है आपके वेट गेन के लिए, इस चीज को आप ट्राई करना, बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। आप नॉर्मली भी खजूर खा सकते हो ऐसे ही, या बिना आपको खजूर नहीं यूज करना है तो आप उसकी जगह अंजीर यूज कर सकते हो, वो भी बहुत इफेक्टिव है। आप देख सकते हैं गाइस कुछ सा फ्लेवर आ गया इसमें। सब चीज मिक्स हो गई गाइस, देख सकते हो थोड़ा बहुत बचा ऊपर ऊपर से, लेकिन गाइस बहुत टेस्टी है। मैं इसके ऊपर से थोड़ा खजूर और बादाम भी डाल दूंगा, वो भी और अच्छा लगेगा। करते थे फाइनली गाइस रेडी हो गया है, बहुत टेस्टी लग रहा है, ये बहुत इफेक्टिव है गाइस। ये आपके पास प्रोटीन शेक नहीं है तो आप केला यूज कर सकते हो, और खजूर नहीं है तो अंजीर यूज कर सकते हो गाइस। ये चारों में से कोई भी चीज यूज कर सकते हो, बहुत इफेक्टिव है। इसमें आप मैंगो है, मैंगो का सीजन चल रहा है, मैंगो भी डाल सकते हो तो भी टेस्ट लगेगा। लेकिन गाइस ये बहुत बहुत बोले ना मास गेन के लिए बहुत अच्छा है। अब बाहर के सप्लीमेंट यूज करने से अच्छा है ये यूज करो, बहुत ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि इसमें जब कॉलेज टाइम पे ये यूज कर रहा था, मैं 10 दिन में 3 से 4 किलो बढ़ गया था।